जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वेलकम टू अवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास ट्वेल्थ की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें हम चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर कंप्लीट कर चुके हैं। रिटायरमेंट के जितने क्वेश्चन आपके आने थे वो मैंने करा दिए, कुछ एक्स्ट्रा भी करा दिए आपको। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 40 तक करने नई बुक से, और डेथ ऑफ अ पार्टनर का भी कुछ नहीं करना जब तक कोई सैंपल पेपर इशू नहीं हो जाता। आज हम बात करेंगे गाइस सबसे फेवरेट, सबसे मज़ेदार और सबसे आसान टॉपिक की, बट स्टूडेंट को पता नहीं क्यों ये थोड़ा सा टिपिकल लगता है। मैं इसको इजी बनाने के लिए कुछ तरकीब, कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट लाया हूँ, आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट नंबर 1 का नाम रखा मैंने डिसोल्यूशन के 3 साथी। दोस्त गाइस, बात क्या है यहाँ पर, हम डिसोल्यूशन करने जा रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कोई एक फर्म है पार्टनरशिप की जो कि बिजनेस कैरी कर रही थी, जिसमें एडमिशन हो रहा था, जिसमें रिटायरमेंट हो रहा था, इसमें डेथ हो रही थी, उसमें अब डिसोल्यूशन हो गया है। और डिसोल्यूशन जो पार्टनरशिप का नहीं हुआ, कोई आया कोई गया कोई मरा नहीं है, ये डिसोल्यूशन हुआ पूरी की पूरी फर्म का, मतलब फर्म खत्म। हम एक सिंपल भाषा में बोलेंगे दोस्त, फर्म खत्म, फर्म पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। फर्म को खत्म कर दिया जाए, अब से इसका कोई बिजनेस नहीं होगा। मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सेक्शंस नहीं बता रहा हूँ कि फर्म क्यों खत्म होती है, वो इलीगल बिजनेस करती है, वो वॉलंटरी, सारी बातें हम एक पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे जो कि आपको कुछ टाइम बाद मिलेगी। अभी हम क्वेश्चंस को समझने के लिए जो हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। अभी जो गाइस बात है वो ये है कि डिसोल्यूशन के 3 साथी, मतलब आपको जब जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर की बात करेंगे, आप जब जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात करेंगे, आपके दिमाग में अगर ये 3 चीज़ें चल रही हैं तो मींस आप जो है डिसोल्यूशन की सही पकड़, सही ढंग से, सही जगह पर दिमाग में जगह बना रहे हैं। किसके लिए? डिसोल्यूशन के लिए। तो दोस्त, डिसोल्यूशन के 3 साथी, 3 साथी हैं दोस्त, 3 दोस्त हैं डिसोल्यूशन के, जिस पर पूरी कहानी डिसोल्यूशन की टिकी हुई। सबसे पहले वाले भैया का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। कई लोग इसे डिसोल्यूशन अकाउंट भी बोलते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि डिसोल्यूशन का मतलब होता है खत्म करना, और रियलाइजेशन का मतलब होता है पैसे लेकर आना, किसी चीज को रियलाइज कराना, किसी चीज को बेच देना, किसी चीज को पे ऑफ कराना। समझ में आ रहा है क्या? सबसे पहले दोस्त का नाम है हमारा रियलाइजेशन। इस दोस्त का बहुत बड़ा काम है, इस दोस्त का बहुत बड़ा नाम है, इसका जितना भी जो नाम है ये ऐसा नाम है कि दुनिया में सबको वही नाम से प्रसिद्ध कर देगा। मैं आपको समझाने का तरीका बताता हूँ कैसे। सबसे पहले वाले दोस्त का नाम है रियलाइजेशन। हम बहुत सारी बातें इसी से करेंगे जब तक हम दोस्त नंबर 2 के पास जाएंगे। डिसोल्यूशन के 3 साथी अगर आपको क्लियर हो गए तो पूरा डिसोल्यूशन की कहानी ऐसे मक्खन की तरह दिमाग में जाएगी, जैसे जैसे कोई छोटा बच्चा ABCD सीखता है मन से वैसे। सबसे पहले दोस्त का नाम है दोस्त रियलाइजेशन अकाउंट। क्या, क्यों है इसका ऐसा नाम, क्या है इसका काम, चलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक में जानते हैं। मैं आपसे छोटी सी बात कर रहा हूँ, ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, ये मेरा स्केल है, ये मेरी बुक है, ठीक है सर, ये क्या कर रहे हैं आप, ये मेरी बोतल है, अरे सर क्या कर रहे हैं आप, ये वीडियो नहीं दिख रहा है सर, ये मेरा मार्कर है, मेरा बहुत सारी एसेट्स हैं, मेरे वर्ड वर्ड सुनना, मेरे बहुत सारी एसेट्स हैं। मैं मोबाइल को फर्नीचर बोलूं, मैं बुक को प्लांट एंड मशीनरी बोलूं, मैं बोतल को कंप्यूटर बोलूं, मैं मतलब ऐसी बहुत सारी एसेट है रे, बहुत सारी एसेट्स हैं ऐसी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, देयर आर नंबर ऑफ टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स, फिक्स्ड करंट एसेट्स, डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एनीथिंग, बहुत सारी एसेट्स। इस बहुत सारी एसेट्स का आज से नाम होगा रियलाइजेशन। मतलब इसकी ताकत बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जब भी शुरू होता है, इसकी ताकत कुछ इतनी बढ़ जाती है, ये हर एसेट को रियलाइजेशन नाम दे देता है। ये दम है इस बंदे में कि ये बोलता है हर कोई मेरे नाम से जाना जाएगा, हर कोई मेरे यहाँ काम करने आएगा, हर कोई मेरे नाम से जाना जाएगा और हर कोई मेरे यहाँ काम करने आएगा। सर आप रफली बहुत यूज़ कर रहे हो, फिर तो कुछ दिखाओ। दिखाएंगे ना, पहले समझा तो दें, पहले बात तो बता दें, पहले मुद्दा तो बता दें कि किस मुद्दे पर बात हो रही है आज। तो दोस्त रियलाइजेशन अकाउंट क्या बोलता है, हर कोई मेरे नाम से जाना जाएगा और हर कोई मेरे यहाँ
काम करने आएगा, ऐसी कुछ इसका उद्देश्य है, ऐसी कुछ इसकी कल्पना है, ऐसी कुछ इसकी ख्वाहिश है जो कि ये खुद पूरी कराने की चाहत रखता है और ये खुद पूरे कराने की कैपेसिटी इसके अंदर है। तो सबसे पहली बात समझना, रियलाइजेशन अकाउंट बैलेंस शीट में दी गई कौन सी बैलेंस शीट, जो आपको दी गई होगी हर बार क्वेश्चन में, बैलेंस शीट में दी गई हर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज पहले रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगी। बैलेंस शीट में दी गई, सर आपने तो खाली एसेट्स के बारे में बताया, ये तो लाइबिलिटीज की बात कर रहा है। हाँ जी हाँ, एसेट्स के संग लाइबिलिटीज का नाम भी रियलाइजेशन अकाउंट होगा। सर हम पर समझेंगे कैसे और ये क्यों कर रहा है ऐसा, इसमें ऐसे क्या दिक्कत हो गई, किसे डेटर डेटर जैसा ना लगने लगा, क्रेडिटर क्रेडिटर जैसा ना लगने लगा, प्रीपेड एक्सपेंस जैसा ना लगने लगा, प्लांट एंड मशीनरी नहीं लगने लगी, ऐसी क्या गुस्साहट हो गई, ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि इन सबके नाम बदल दिए रे। और सर हम एसेट है या लाइबिलिटी है ये कैसे पहचानेंगे और कब बताएंगे, बेटा आपको वो बताएगा पर पहले बोलेगा पहले उसका नाम रियलाइजेशन तो रखो, हर कोई मेरे नाम से जाना जाएगा और हर कोई मेरे यहाँ काम करने आएगा, पहले एक बात तो कर लूँ, मतलब हर एसेट और लाइबिलिटी को पहले रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, हर एसेट और लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया जाएगा। और वो ट्रांसफर करने की जो एंट्री होगी वो ये होगी दोस्त, ये मान के चलो रियलाइजेशन अकाउंट है, उसके डेबिट साइड लिखा जाएगा टू सेंड्री एसेट्स और क्रेडिट साइड लिखा जाएगा बाई सेंड्री लाइबिलिटीज। ये सेंड्री का मतलब क्या होता है, सेंड्री का मतलब होता है बहुत सारी, सेंड्री का मतलब होता है इकट्ठी, सेंड्री का मतलब होता है नंबर ऑफ एसेट्स एंड नंबर ऑफ लाइबिलिटीज। हर एसेट और लाइबिलिटीज का आज से नाम क्या हो गया बोलो जरा, रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब हर एसेट हर लाइबिलिटी को हम रियलाइजेशन की नजर से देखते हैं रे। बात समझ में आ गई बेटा, क्या मतलब, वो दिखता मुझे डेटर है, वो दिखता मुझे क्रिएटर है, वो दिखती मुझे प्लांट एंड मशीनरी और दिखता मुझे फर्नीचर है, पर मेरे देखने से क्या, मैं उसे देखता हूं रियलाइजेशन की नजर से, मैं उसे देखता हूं रियलाइजेशन की नजर से, तो मुझे रियलाइजेशन की नजर से दिखेगा और मैं उसका ट्रीटमेंट रियलाइजेशन की तरह करूंगा, क्योंकि हर कोई मेरे नाम से जाना जाएगा और हर कोई मेरे यहाँ काम करने आएगा, ऐसा मेरा कोई ऑब्जेक्टिव है, ऐसी मेरी ख्वाहिश है और ऐसा मैं करके रहूंगा, क्योंकि फर्म का डिसोल्यूशन होने जा रहा है। सर आपने फ्रंट एंड तो बता दिया, एक बार बैक एंड बता दो, ऐसा करने की क्या जरूरत है। तो मेरी बात समझो, फर्म क्या हो रही है बेटा, फर्म क्या हो रही है, फर्म हो रही है खत्म। फर्म खत्म होगी तो एसेट्स बेचे जाएंगे, पैसा यूं यूं आएगा, लाइबिलिटीज पे ऑफ किए जाएंगे, पैसा यूं यूं जाएगा। मतलब सर डेटर से पैसा आएगा और क्रेडिटर पे पैसा जाएगा, तो पहले भी करा करते थे, लैंड एंड बिल्डिंग बेचेंगे और बैंक लोन अगर होगा तो उसको पे ऑफ करेंगे, यही तो बात है। जब सारी चीज़ें आपको बेचनी है तो सबको एक संग करके बेचो, अच्छे पैसे मिलेंगे, सबको एक संग रख दो, अच्छी वाली एसेट्स को ऊपर, बेकार वाली को नीचे रखो ताकि ज़्यादा वैल्यू मिले, इस टाइप से समझ रहे हो ना, सारी बेचनी है। जब एक एक करके बेचनी नहीं है, सबको एक साथ ही बेचनी है अक्सर, तो मैं एक ही दिन बेचनी है अक्सर, हमें बेटा सबको कहाँ ले जाऊँ। इट इज़ बेस्ट प्रपोजल टू एवरी एसेट शुड बी कंसीडर्ड इन द रियलाइजेशन अकाउंट, सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज को आप रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया जाए, सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन का पार्ट बना दिया जाए, सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज का नाम रियलाइजेशन रख दिया जाए। किस तरीके से रखेंगे, आप रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करेंगे टू सेंड्री एसेट्स और रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे बाई सेंड्री लाइबिलिटीज। सर यही एंट्री क्यों, एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट, खत्म करने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट। लाइबिलिटीज का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस होता है डेबिट, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। लाइबिलिटीज का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। दिख रहा है ना, एसेट्स का क्रेडिट और लाइबिलिटीज का डेबिट, तभी तो इधर आइए। दूसरी बात सुनो, कॉन्सेप्ट नंबर टू से जोड़ते हैं, हमें एसेट्स का नाम क्या रखना है, रियलाइजेशन, तो एसेट्स की जगह डेबिट कौन होगा, रियलाइजेशन। लाइबिलिटीज का नाम क्या रखना है, रियलाइजेशन, तो लाइबिलिटीज की जगह क्रेडिट कौन होगा, रियलाइजेशन। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं अकाउंट कराऊंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं एंट्रीज कराऊंगा, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन इलस्ट्रेशन डिस्कस करूंगा, तभी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। जो एक बात माइंड में चली जाए, जो एक बात आपके माइंड में सेट हो जाए, दैट इज एवरी एसेट, एवरी लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म
हैज बीन कंसीडर्ड विद अ सिंगल नेम नोन एज रियलाइजेशन। हर एसेट और हर लाइबिलिटी पर सिर्फ एक ही टिप्पा है, एक ही चिट्ठा है, एक ही चिट लगी है कि वो रियलाइजेशन है रे। कोई दिक्कत? अब बच्चों को जो कन्फ्यूजन होती है वो ये होती है साहब कि सर गुडविल का क्या होगा, हम गुडविल को एसेट साइड में लिखी हुई गुडविल को डेबिट लॉस मानते थे, आपने बोला था लॉस की नज़र से देखो, इसको क्या करें सर? सर लॉस की नज़र से देखो तो छोड़ देंगे क्योंकि आपने लिखा है एसेट्स और लाइबिलिटीज। सर गुडविल एसेट भी तो होती है। देर इज बिग कन्फ्यूजन, डिस्कस करने लायक मुद्दा है, बहस करेंगे इस पर तो हम बहुत देर तक आर्ग्यूमेंट चलेंगे। मैं आपसे बोलता हूँ इस गुडविल को आप यहाँ पर एसेट मानेंगे। सर ऐसे कैसे आपकी बात माने, वहाँ लॉस माने या एसेट माने, ऐसे क्यों? बेटा वहाँ गुडविल बेची नहीं जा सकती थी और यहाँ अगर हमारी फर्म की वैल्यू अच्छी है, रेपुटेशन अच्छी है, कोई और बिजनेस करना चाहता है तो हम अपनी गुडविल को बेचेंगे और बेचेंगे तो रियलाइजेशन के डिब्बे में फिट करनी पड़ेगी। तो मैंने तीन चीज़ें लिखी हैं जो कंफ्यूज करती हैं क्योंकि ये दोनों प्रॉफिट की तरह लगते हैं और ये लॉस की तरह लगती थी। तो भले ही वो गुडविल हो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, आप तीनों को रियलाइजेशन को ट्रांसफर करेंगे, इसको डेबिट साइड, उन दोनों को क्रेडिट साइड। क्यों करेंगे, कैसे करते हैं, सारी बातें क्वेश्चंस कराते में डिस्कस करूंगा तो अच्छे से समझ में आएंगी। अभी आप भूल सकते हैं, बस कंफ्यूजन हो तो ये वीडियो आपके काम में आएगी कि ये तीनों चीज़ें भी ट्रांसफर होंगी क्योंकि बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। इसको प्रॉफिट की नज़र से देखते हैं, इसको लॉस की नज़र से देखते हैं, इसको देखते ही नहीं है। समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है? हर एसेट हर लाइबिलिटीज का नाम आज से क्या होगा? रियलाइजेशन। क्लियर है गाइस? ठीक है, अब जब एसेट बिकेगी तो पैसा आएगा, जब एसेट बिकेगी तो पैसा आएगा। पैसे को भी बदला है क्या? नहीं, पैसे का अभी भी वही नाम है, अभी बताता हूँ मैं। पैसा आने दो, रियलाइजेशन जाने दो। सर रियलाइजेशन क्यों? पैसा पहले आता था तो कैश अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, कैश अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ऐसे ही करते थे ना। पर आप क्या करेंगे, हर एसेट्स का नाम क्या है, अभी अभी रख के आए हैं आप, रियलाइजेशन। तो हर एसेट्स का नाम अगर रियलाइजेशन है तो पैसा आएगा और रियलाइजेशन क्रेडिट किया जाएगा, पैसा आएगा और रियलाइजेशन क्रेडिट किया जाएगा। वहीं अगर मैं सेंडरी लाइबिलिटीज की बात करूं तो वहां पर पैसा जाएगा और रियलाइजेशन डेबिट किया जाएगा क्योंकि हर एसेट का नाम रियलाइजेशन है और हर लाइबिलिटी का नाम रियलाइजेशन है। हर एसेट का नाम रियलाइजेशन, हर लाइबिलिटी का नाम रियलाइजेशन। जबरदस्त वीडियो के साथ हम इसके दूसरे दोस्त से मिलने जा रहे हैं जिसे हम बहुत पहले से जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं और उसके लिए हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है रे। बस हम तीन साथियों का नाम क्या करेंगे, एक साथी का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट जो किसके लिए पैदा हुआ है बेटा, जब जब जुर्म की आंधी उठेगी, अमिताभ बच्चन जी का बहुत पुराना डायलॉग है, तब तब भीमा जन्म लेगा, आज का अर्जुन कुछ ऐसा है। तो मैं बता दूं, जब जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होगा, जब जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होगा तब तब रियलाइजेशन जन्म लेगा एसेट्स और लाइबिलिटीज के लिए। जब जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का जन्म होगा तब तब रियलाइजेशन जन्म लेगा एसेट्स और लाइबिलिटीज के लिए। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज इस डिब्बे में पैक हो गई, सारे प्रॉफिट एंड लॉसेस, सारे पार्टनर के बैलेंसेस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। मतलब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट में सब कुछ तोड़ तड़ोड़ के दिखाऊंगा तब आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा कि ये जो मैंने करा है वो सही किया है या गलत किया है या क्यों किया है, या ऐसे ही करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, अगर ऐसे नहीं करेंगे तो क्या नहीं समझ में आएगा, वो बातें हम करेंगे। हम डिसोल्यूशन के दूसरे साथी से मिलने जा रहे हैं जो कि कौन है, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाता। सर ये तो आता है हमें, सेम तरीके से बनेगा। कौन सा सेम तरीका? जैसे चैप्टर 2, 3, 4, 5 में बनता था, चैप्टर नंबर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन वाले बनता था दोस्त, जैसे एडमिशन में बनता था, जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जैसे रिटायरमेंट में, जैसे डेथ में, जो कि आपने सीखा ही नहीं बनाना, सब वैसे जैसे वो बनेगा वैसे ये बनेगा, सिर्फ गुडविल को छोड़कर। गुडविल को छोड़कर, क्योंकि गुडविल तो एसेट मान ली गई और रियलाइजेशन में चली गई तो वो पार्टनर्स कैपिटल में कभी नहीं आएगी। तो सेम है बेटा, इसके लिए मुझे कुछ लिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि इस दोस्त को हम चैप्टर नंबर 2 से जानते हैं और चैप्टर नंबर 5 तक हमने इससे बहुत बेहतरीन रिश्ता बना लिया है। तो जैसे वहां करते थे ऐसे ही हम इसको यहां ट्रीट करेंगे। अगर प्रॉफिट होगा रियलाइजेशन का तो क्रेडिट किया जाएगा, लॉस होगा तो डेबिट किया जाएगा, ये बात हम जन्म जन्मांतर से जानते हुए आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 किसके लिए? जब जब डिसोल्यूशन की आंधी उठेगी।
जब जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होगा दुनिया में, तब तब रियलाइजेशन जन्म लेगा एसेट्स और लाइबिलिटीज के लिए। बहुत सिंपल कर दूंगा, बहुत सिंपल, एक मेरी फेस वाली वीडियो आ रही है बहुत जल्द से जल्द, विद इन वन वीक तो लग ही जाएगा, ऑलमोस्ट 4 दिन लग जाएंगे, 5 दिन, वो जब वीडियो आएगी आपको ये और बेहतरीन समझ में आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, क्वेश्चंस करते समय और अच्छे सीख लेंगे। जो बच्चे काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं उनको पता ही होगा कि थोड़ा सा तो बढ़िया पढ़ा लेता हूँ मैं, और उतने प्यारे प्यारे आप कमेंट्स भी कर देते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल बेटा कुछ भी नहीं है सिखाने लायक, बट ये दूसरा साथी है, मतलब पहला साथी कौन है, पहला साथी है रियलाइजेशन, दूसरा साथी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा साथी है कैश ऑब्लिक बैंक। बस ये 3 चीज़ों से दुनिया बनी और 3 चीज़ों में दुनिया मिट्टी में मिल जाएगी, कुछ ऐसा हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के लिए बोला गया है। पहला रियलाइजेशन और किसके लिए बना है बेटा, हर एसेट्स और हर लाइबिलिटी। इसके लिए हमने समझा कि कुछ चीज़ें अगर आपको कंफ्यूज करें, जस्ट लाइक गुडविल, जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जस्ट लाइक गुडविल, जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और जस्ट लाइक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो आप उन्हें भी ट्रांसफर करेंगे एज एन एसेट और लाइबिलिटी मानकर। क्यों करते हैं, कैसा करते हैं, हम क्वेश्चन करते समय अच्छे से सीख लेंगे, हम क्वेश्चंस करते समय अच्छे से सीख लेंगे, हम क्वेश्चंस करते समय अच्छे से सीख लेंगे। सर 3-3 बार क्यों बोल रहे हो, सर रिपीट का बटन दबा देता है क्या कोई पीछे से। अब हम बात करेंगे दोस्त पार्टनर्स कैपिटल की। एसेट लाइबिलिटी तो निपट गए, पार्टनर को अपना पैसा चाहिए, अपना प्रॉफिट चाहिए, अपना लॉस माइनस करेगा, अपना जनरल रिजर्व मांगेगा, हम पार्टनर के लिए उसका कैपिटल अकाउंट बना देंगे, जैसे चैप्टर 2, 3, 4, 5 में बनाया करते थे। कैश का काम बेटा वही है, वही पुरानी दुनिया और वही है, मेरा कैश आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो तुझे क्रेडिट कर दूंगा रे। इसके लिए मैं 11th क्लास को बड़ा प्यार से पढ़ाया करता था कि आना जाना लगा रहेगा, कैश आएगा कैश जाएगा, मतलब आएगा तो डेबिट किया जाएगा और जाएगा तो क्रेडिट किया जाएगा। सर अगर हम ये भूल गए कि कब आता है और कब जाता है तो हमें कौन बताएगा, तो मैं बता रहा हूँ, एसेट्स बेचोगे तो पैसा आएगा और लाइबिलिटीज पे ऑफ करोगे तो पैसा जाएगा। एसेट्स बेचोगे तो पैसा आएगा, जो बेची थी ना अभी देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश आ रहा है, पैसा आ रहा है और इसमें कैश जा रहा है। पहले तो ये आना जाना लगा रहेगा, कैश आएगा और कैश जाएगा, कैश आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट किया जाएगा। दूसरी बात, फिर भी हम भूल जाएं तो हम कहाँ जाएंगे, जैसे होता है ना जब 3 दोस्तों की दोस्ती बड़ी बेहतरीन होती है, ठीक है, आप भी 3 दोस्त होंगे और हम भी 3 ही दोस्त रहे हैं हमेशा से शुरू से, चाहे मेरे ग्रुप कितने भी बदले, स्कूल ट्यूशन और घर मोहल्ला, पर हम 3 दोस्त जरूर रहे। हम 3 दोस्तों में क्या, अगर हम दोनों की दोस्ती पक्की है तो हम दोनों की भी दोस्ती पक्की होगी और हम दोनों की भी दोस्ती। सर क्या बोल रहे हो, मतलब अगर पहला दूसरे को अच्छी दोस्ती, 3 दोस्त अभी तो होंगे, पहला दूसरे से बात करता है, दूसरा तीसरे से बात करता है, तीसरा पहले से बात करता है, तो हमने 2 दोस्तों को अगर अच्छे से समझ लिया, दैट इज रियलाइजेशन, अगर इसमें गलती नहीं है, दैट इज पार्टनर कैपिटल। तो आपको तीसरा दोस्त उतनी बढ़िया तरीके से बात समझ में आएगा, मतलब अगर हम किसी केस में फंस गए, 2 जने पकड़े गए घर पे, तो तीसरा तो बचना ही नहीं है, और हमने दोनों को एक दूसरे को बचाया तो तीसरा भी हमें बचाएगा या हम उसे बचाएंगे। टाइम तो मेरी बात समझना, तीसरा दोस्त हमारा बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट, जिसका बहुत बड़ा रोल रहता है 8 मार्क्स के क्वेश्चन में। रियलाइजेशन और पार्टनर कैपिटल का डेबिट में आने वाला कैश, रियलाइजेशन मतलब जो जो इसके डेबिट में आया है, जो जो रियलाइजेशन और पार्टनर कैपिटल में डेबिट में आया ना, ऐसे रियलाइजेशन टू कैश या कैश टू रियलाइजेशन, जो जो यहाँ डेबिट में आया है वो यहाँ क्रेडिट होगा, जो इसके घर गया है वो इसके घर इधर आएगा, मतलब जो इसके यहाँ पर डेबिट हुआ है इन दोनों के यहाँ पर, वो यहाँ क्रेडिट होगा और जो इन दोनों के यहाँ क्रेडिट हुआ है वो डेबिट होगा। बस इतनी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, ये दोनों दोस्तों से दोस्ती अच्छी हो गई हमारी। रियलाइजेशन ऑफ पार्टनर कैपिटल का डेबिट में आने वाला कैश यहाँ क्रेडिट होगा, मतलब जो दोनों चीज़ें यहाँ डेबिट हुई हैं वो यहाँ पर क्रेडिट की जाएंगी, जो यहाँ पर डेबिट हुआ है वो वहाँ क्रेडिट किया जाएगा और जो यहाँ क्रेडिट हुआ है वो यहाँ डेबिट किया जाएगा। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसी तरीके से सीखेंगे। कैश बेटा कितना प्यारा दोस्त है इनका, बहुत प्यारा 3rd नंबर का दोस्त है, जिसकी पहले वाले से भी दोस्ती है और दूसरे वाले से भी दोस्ती है, मतलब पहले दूसरे की तो आपस में है ही है, दूसरे तीसरे की भी है और पहले तीसरे की भी है, ठीक है। ऐसा समझो कि जो यहाँ डेबिट होगा इन दोनों अकाउंटों में, हम देख लेंगे, हम वहीं से उठाएंगे उसको, जो यहाँ दोनों में डेबिट होगा वो यहाँ क्रेडिट होगा और जो यहाँ क्रेडिट होगा इन दोनों में वो यहाँ डेबिट होगा। बस इतनी सी बात समझ लो, चैप्टर खत्म है। सर बस एक ही कॉन्सेप्ट में चैप्टर खत्म नहीं, चैप्टर में कॉन्सेप्ट तो 2-3 और हैं, पर एक सिंपल सी बात, ये कॉन्सेप्ट कई बार हर बार, चाहे क्वेश्चन नंबर 1 कराऊं चाहे 45 तक कराऊं, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको हर बार कराऊंगा, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए इतना समय लग गया इसको, हफ्ता भर लग गया बनने में, बनाया मैंने ऑलमोस्ट 15-20 मिनट में, बट हफ्ते भर से सोच रहा था किस तरीके से क्या कराया जाए,
कि आपको सिंप्लिसिटी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट मेरी वीडियो पर तब आते हैं जब वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का थोड़ा बहुत मसाला पढ़ के आते हैं कहीं से, और फिर यहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ वो क्या पढ़ा रहा है। तो इतनी क्लैरिटी से जाएगा, इतनी कॉन्सेप्चुअली से बनाएंगे कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारा आंसर सही आना चाहिए, क्योंकि इसका अक्सर बच्चों का आंसर गलत आता है, ये चैप्टर कठिन बन जाता है। और मुझे कठिन से और कठिनाइयों से बेहद लगाव है, सरल बनाने में मजा आ जाता है। रियलाइजेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट में आने वाला कैश यहाँ क्रेडिट होगा, और क्रेडिट में आने वाला कैश यहाँ डेबिट होगा, बस इतनी सी बात है। और ये तीनों साथी खत्म हो गए, साथी नंबर एक आर, साथी नंबर दो पी, साथी नंबर तीन सी, आर पी सी, रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट के साथ हमारी ये क्लास संपन्न होती है। थोड़ा सा अच्छा सा पढ़ा दिया हो तो कमेंट में बता देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर आप कर देते हैं अपने दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब आपने कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं कर रखा तो कर लेंगे अपनी मर्जी से, क्योंकि हमारी वीडियोज़ आती रहती हैं, नोटिफिकेशन आएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, कॉन्सेप्ट नंबर टू बेहद बेहतरीन, इससे भी बेहतरीन और मज़ेदार होने वाला है। तब तक लिए जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। कुछ भी ना समझ में आया और बेहतर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना, मोटिवेशन इतना मिलता है कि बस सोचो मत, गर्मी में वीडियो बन जाती है फिर आपकी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू दोस्त।